हेलो डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को इस फिनो पेमेंट का जो कार्ड आप लोग प्रिंट करने जा रहा है, आप लोगों को कौन से सामान की जरूरत होगी? ऐसा एक पीवीसी कार्ड की जरूरत होगी आप लोगों को, और पीवीसी कार्ड प्रिंटर का भी जरूरत होंगी आप लोगों को। ओके फ्रेंड्स, अभी मैं इसको प्रिंट करके आप लोगों को दिखाता हूँ। ओके फ्रेंड्स, लाइव दिखाता हूँ आप लोगों को। ओके हेलो डियर फ्रेंड्स, आप लोग जो फिनो पेमेंट बैंक का आईडी फाइल को डाउनलोड कर लिया है, उस फाइल को आप लोग एडिट कर लीजिए। पेन सॉफ्टवेयर में आप लोग ओपन कर लीजिए। इसके बाद उसको एडिट करके इधर देखिए, आप लोग ये ओपन कर लिया है। ये पेन सॉफ्टवेयर है। सब्सक्राइब कीजिए इंटरनेशनल INR चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकॉन को, नए वीडियो की जानकारी पाए सबसे पहले। इसके बाद आप लोग क्या करना है, अभी मैं लोगों को दिखा रहा हूँ। जो अभी फोटो है, फोटो पर फोटो लेके आएंगे और नेम पर नेम डालेंगे, मार्क्स आएंगे पर मार्क्स भी डालेंगे, स्टेट पर स्टेट डालेंगे, जी पर जी डालेंगे, फिर जी पर जी डालेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग ऐसे ही डालना होगा। तो फ्रेंड्स, कान लगाने सबसे पहले हम लोग चल जाएंगे, पास फॉर्म कर लेंगे। उसके बाद हम लोग गेस्ट पर जाएंगे। आने के बाद रखा सकता है, सब्सक्राइब कीजिए इंटरनेशनल INR चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकॉन को, नए वीडियो की जानकारी पाए सबसे पहले। ये फोटो आ गया इधर। अभी इधर आप लोगों का नाम नेम डालना गया इधर। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अभी फोन सेटिंग कर लेंगे। अभी तो कौन सा फोन में रियल ब्लैक, इस फोन पर मैं अभी यहाँ पर अभी मैंने नेम डालेंगे, क्योंकि मेरा नेम डाल दिया है। नेम डालेंगे मार्शन आईडी, डालेंगे स्टेट, लिखेंगे डेट ऑफ ज्वाइनिंग। डियर फ्रेंड्स, जी और जे के फुल फॉर्म है डेट ऑफ ज्वाइनिंग। फिर अभी मैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग को मैंने डाल दूंगी। जिस टाइम मैंने सी एस पी लिया था उस टाइम का मैं डेट डाल दूंगी। और उसके बाद मैंने हेल्प पर अभी मैं कौन से तारीख में ये आईडी का डाउन किया था उस टाइम का मैं डाल दूंगी, डेट डाल दूंगी। आप लोग ऐसे ही डालना है। फोकस करने के बाद अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ उसे आप लोग ऐसे ही काम कर देखिए। डियर फ्रेंड्स, मैं इसको मैं सेट कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, फिर मैंने मेरा फोटो सुपर में सारे फाइल लेके आया हूँ, तो इसको मैं प्रिंट आउट निकाल लूंगी आपके तो सामने। सबसे पहले तो इसको मैं अभी सेटिंग कर लेंगे। देखिए कौन सा ये सेटिंग कर रहा हूँ आपको, इसको कौन सा होता है, इसको लिख कितना है, जो फ्रेंड्स ऐसे ऐसे भी सेटिंग करना है। तो डियर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स वगैरह कुछ क्लियर से चेक करने के बाद ये इंस्ट्रक्शन कि बैक साइड यही है आईडी कार्ड का बैक साइड, इसको भी मैंने सेटिंग कर लेंगे। तब चाहते कि सब सेटिंग कर लेंगे, ध्यान से देखिए। और वीडियो को पॉज करके भी आप लोग ये सेटिंग्स देख सकते हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल के रखूँगी। और आपको कमेंट कीजिए, कमेंट करके पीछे में सारा डिटेल्स में कमेंट पर डाल दीजिए। प्लीज़ फ्रेंड्स, अभी मैं सेव कर लेंगे। या फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को सिर्फ ध्यान से देखना है, तुम से जरा भी स्किप मत कीजिए। आप लोग स्किप करने से आप लोग को मैं क्या सेटिंग कर रहा हूँ उसको आप देखने, इसलिए आप लोग स्किप मत कीजिए। सिर्फ आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए, मान लगा के देखिए, तभी आप उसे सेटिंग कर पाएंगे और बिना आप निकल पाएंगे, अच्छी एक निकल पाएंगे। मैं आगे
आप लोगों को ढूंढना निकल के आपको उस आई डी को आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए अभी मैं उसको इसको टेंट पर लिया हूँ, उसको अभी मैं फिंगर निकल ले रहा हूँ। ओके मैं सारा स्क्रीन देख कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स अभी मैं आप लोगों को प्रिंट करके दिखाता हूँ। ये मेरा है प्रिंटर, मैं आज भी इसमें प्रिंट करके दिखाता हूँ आप लोगों को इस पीवीसी कार्ड को। ओके फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और कैसे ये प्रिंट आउट कैसे निकालेंगे वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। ओके फ्रेंड्स देखिए अभी प्रिंट आउट निकल रहा है। पीवीसी कट प्रिंटर है ये इप्सन LH0। इस प्रिंटर का बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल के रखूंगी। ओके फ्रेंड्स LH05 ये प्रिंटर मॉडल बहुत ही अच्छा प्रिंटर है, उसका बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल के रखूंगी। ओके फ्रेंड्स देखिए ये प्रिंट आउट निकल के आ गया ये पीवीसी का, देखिए। और फिर से मैं बैक साइड को भी आप लोगों को प्रिंट आउट निकल के दिखाएंगे। देखिए फ्रेंड्स ये हो गया, देखिए देखिए फ्रेंड्स अभी मैं वेबसाइट प्रिंट कर रहा हूँ, वेबसाइट प्रिंट होना चालू हो गया है। तो फ्रेंड्स प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। जैसे इस प्रिंटर से आप लोग ऐसे काम कर पाएंगे और पीवीसी कार्ड प्रिंट कर पाएंगे, आईडी वगैरह भी प्रिंट कर पाएंगे, स्टूडेंट आईडी कार्ड, एम्प्लॉयमेंट आईडी कार्ड सब कुछ इस प्रिंटर से आप लोग प्रिंट कार्ड प्रिंट आउट निकल पाएंगे। अभी आप लोगों के सामने मैंने तीनों पेमेंट बैंक का जो मार्चेंट आईडी कार्ड वो प्रिंट करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इस कार्ड को लेके आप लोग इस टाइम आप लोग यूज कर पाएंगे, इस कार्ड को लेके आप लोग घूमने से कुछ दिक्कत नहीं आएंगे। जो फिमो पेमेंट का जो जिस लोगों ने BC ID लेके रखा है वो लोग काम कर पाएंगे अपना CSP पर। ओके फ्रेंड्स इस आईडी को जरूर प्रिंट आउट निकल लेना आप लोग, ताकि आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए इसीलिए। ओके फ्रेंड्स।